नवा वस्त्र पहनकर लोग चूरन बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर ही माफ नहीं करेगा। नमस्कार, ये है टॉप न्यूज और आज टॉप न्यूज की शुरुआत करते हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उस विवादित बयान से जिस पर देश भर में राजनीति गर्मा सकती है। भोपाल में साधुओं के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूर्ण बेच रहे हैं, भगवा पहनकर मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सनातन धर्म को जिन्होंने बदनाम किया है उन्हें भगवान भी माफ नहीं करेगा। एक बार फिर सुनिए। भगवा वस्त्र पहनकर लोग चूर्ण बेच रहे हैं, भगवा वस्त्र पहनकर बलात्कार हो रहे हैं, मंदिरों में बलात्कार हो रहे हैं। क्या यही है हमारा धर्म? हमारे सनातन धर्म को जिन लोगों ने बदनाम किया है उन्हें ईश्वर ही माफ नहीं करेगा। दिग्विजय ने बीजेपी का नाम लिए बिना कहा कि जय श्री राम नारे पर एक पार्टी ने कब्जा कर लिया है, इसलिए हमें जय सियाराम बोलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि एक पार्टी के लोग मंदिरों और मठों में कब्जा कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह पहले भी कई विवादित बयान देते रहे हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह का यह बयान कांग्रेस की उस कोशिश को तगड़ा झटका है जिसके तहत वो खुद को हिंदुओं का हितैषी बताने की कोशिश में जुटी है। सोमवार को राजस्थान में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। अपने विधायकों के दल बदल को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती कांग्रेस पर जमकर बरसी हैं। मायावती ने कहा कि कांग्रेस उन पार्टियों को हमेशा चोट पहुंचाती है जो उसे समर्थन देती है। मायावती ने सिलसिलेवार ट्वीट के जरिए कांग्रेस को दलित विरोधी और धोखेबाज बताते हुए जमकर भड़ास निकाली। जवाब में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे सभी राज्य के हित में स्वेच्छा से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। देखिए अशोक गहलोत का बयान। और मायावती जी को जब कभी अलायंस हुआ है देश के अंदर सब पार्टी के साथ में, तो हम तो उन लोगों में हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की भावना समझते हुए हमने तो हमेशा मायावती जी के साथ खड़े मिले हैं उनको, ये वो खुद जानती है मेरे बारे में। सहयोगी के तौर पर आने वाले 3 राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़ी मिलेगी क्या इस घटना के बाद? ये देखिए, ये तो मैं कहना चाहता हूँ आपको कि मायावती जी कभी राज्य में सरकार कांग्रेस सहयोग से बनाई थी। मायावती जी की पार्टी के लिए कांग्रेस एक वक्त में जूनियर पार्टनर बन गई थी यूपी के अंदर। 3 तो सीटें मायावती जी और 125 सीटें कांग्रेस। काशीराम जी जमाना था तो हमने ये भी उनको सहयोग दिया। तो कांग्रेस ने हमेशा ये देखा कि विचारधारा हमारी नज़दीक किससे हैं, चाहे सर्वधर्म संभाव की हो, लोकतंत्र की हो, उसके हिसाब से हमने उनका साथ दिया था। उस वक्त सरकार हमने बनवाई, हमने सरकार चलवाई उनकी, वो मायावती जी क्यों भूल जाती है? और ये राज्यों की स्थिति अलग होती है, उसमें मायावती जी को बड़ा दिल रखना चाहिए कि ये स्टेट के इंटरेस्ट में किया तो कोई बात नहीं, ये मैं सोचता हूँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 69वें जन्मदिन पर गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद दिया। सरदार सरोवर डैम का मुआयना करने और केडविया में रैली को संबोधित करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 2:30 बजे गांधीनगर में अपनी मां के आवास पहुंचे। उन्होंने अपनी मां के साथ ही बैठकर दोपहर का खाना भी खाया। प्रधानमंत्री मोदी करीब 30 मिनट तक अपनी मां के साथ रहे। इससे पहले लोकसभा चुनाव में लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत हासिल करने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल के शपथ से पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया था। किसी वक्त में बेहद लोकप्रिय रही टाटा सुमो ने 25 साल बाद मार्केट को अलविदा कह दिया है। साल 1994 में सुमो ने एक कंफर्टेबल और दमदार लुक वाली गाड़ी के रूप में अपना सफर शुरू किया था। हालांकि कंपनी ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से इस कार को हटा दिया है। साथ ही कई ऐसी वजह है जो साफ करती है कि सुमो बंद हो गई है।
इस गाड़ी की कीमत 7,39,00,000 से 8,77,00,000 रुपए के बीच थी। टाटा सुमो काफी पुराने आर्किटेक्चर पर आधारित थी। लेटेस्ट सेफ्टी नॉर्म्स के अनुरूप बनाने के लिए इसमें बड़े स्तर पर बदलाव करने पड़ते। दूसरी ओर पिछले कई सालों से इसकी बिक्री भी बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी। इसके चलते सुमो को अपडेट करने के लिए इस पर निवेश फायदे का सौदा नहीं दिख रहा था। ऐसे में कंपनी के लिए इसे बंद करना ही विकल्प था। ये है अभी की खास खबरें, और खबरों के लिए जुड़े रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। सब्सक्राइब कीजिए नवभारत टाइम्स का YouTube पेज और लाइक कीजिए नवभारत टाइम्स का Facebook पेज।